मेरे बच्चों, मैं सबसे ज़्यादा पता है किससे प्यार करता? अपने गुरु से। मुझे सदा ऐसा लगता था कि उनके हृदय से ही चिपके रहकर उनकी ओर निहारा करूं। मेरी समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता, क्या कहूँ, वो मेरे सब कुछ थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई और मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात मैं उनके ही ध्यान में मगन रहता। मुझे किसी बात की भी सुध ना थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि शिथिल हो गई। मैं स्तब्ध रह गया और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। जानते हो, एक बार मेरे गुरु मुझे कुएं में उल्टा लटका कर 3-4 घंटे के लिए कहीं चले गए। जब वापस आए तो मुझसे पूछा कि मैंने कैसा अनुभव किया। तो मैंने कहा कि मैंने तो परमानंद का अनुभव किया। मेरे गुरु मेरे उत्तर सुनकर खुश हुए और मुझे अपने साथ लेकर चले गए। मेरे लिए गुरु आज्ञा ही सब कुछ थी। मैं गुरु की ओर निहारा करता हर वक्त। मुझे बहुत प्यार था अपने गुरु से। मेरे बच्चों, तुम भी अपने गुरु से प्यार किया करो, उसकी शरण में रहा करो और उसकी आज्ञा को माना करो। जो गुरु कहते हैं ना, वो किया करो। गुरु आपके लिए अच्छा ही करते हैं। गुरु को कभी भी शंका की निगाह से मत देखा करो। सच में गुरु जो है ना, हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। जब बाबा मेरी ज़िंदगी में आए ना, तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैं हर वक्त चिंता में रहती थी, पर बाबा के आने के बाद बाबा के रूप में एक हिम्मत आ गई। जब भी मन उदास होता तो अंदर से आवाज़ आती, पगली क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना। और मैं झट से खुश हो जाती। सच में बाबा ने मुझे बहुत खुश रहना सिखाया। नाम इतना जपो कि गुरु धड़कन में उतर जाए। सांस भी लो तो खुशबू गुरु के दरबार की आए। गुरु का नशा दिल पर ऐसा छाए। बात कोई भी हो पर नाम गुरु गुरु ही आए। सच में बाबा के अलावा कोई बात करने का दिल ही नहीं करता। हर वक्त साईं साईं। और बाबा ने अब ये वीडियो शुरू करवा कर अपने नज़दीक और ले आए। हर वक्त यही सोचती हूँ कि कौन सी बात बाबा की आपसे करूँ। हर वक्त मन में साईं रहते हैं तो ना कोई चिंता, ना कोई फालतू बात दिमाग में आती ही नहीं। जब आपका ध्यान अपने गुरु की तरफ होता है, कोई भी नेगेटिव पावर आपके पास नहीं आ सकती। गुरु जैसा ना आसरा, गुरु जैसा ना मीत, गुरु कृपा से पाइए चंचल मन पर जीत। गुरु कृपा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुखी ना आए। दुख भी आए पर आप दुखी ना हो। वो घड़ी कब बीत जाए आपको पता ही ना चले। यही तो गुरु कृपा है। गुरु से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत में क्या फ़र्क है? इंसान से मोहब्बत करोगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगा। गुरु से मोहब्बत होने पर वो आपकी ताकत बन जाएंगे। शिकवा नहीं, शुक्राना सीख गए। तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रजा में राजी रहना सीख गए। क्यों घबराता है मन बावरे, क्यों रहता है उदास? तेरे साथ है इतना प्यारा गुरु, तो उस पर कर विश्वास। सच में जब आप बाबा पर विश्वास करोगे ना, आपको दुख आप नहीं सताएंगे, आप चिंता भी नहीं करोगे। गुरु हमारे लिए सब कुछ है। गुरु से प्यार करो। गुरु हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमेशा हमारी समस्याओं को देखता है और उसे दूर करने की चिंता करता है। मैं तो देखती हूँ कि बाबा सारा दिन कैसे भक्तों की भीड़ बाबा के दर पर आती रहती है। मुझे तो लगता है कि बाबा के कंधे झुक गए, लोगों के दुख सुनते सुनते, उनके दुखों को दूर करते करते। गुरु कौन होता है? गुरु वो है जिन्होंने हम में कुछ देखा जो हम भी नहीं समझ पाए थे, जिन्होंने हमें एहसास दिलाया कि हम में भी कुछ बात है। सच में अच्छी किस्मत होती है जब गुरु आपकी किस्मत में आते हैं। किस्मत वालों को ही गुरु मिलते हैं। जब आए गम के साए, हम हो गए विचलित भावुक, उन्होंने अखंड प्रकाश बनकर हमें धीरज का पाठ पढ़ाया। जब आई कठिन चुनौती, हम थोड़ा घबराए, हम थोड़ा सा कुचाए, उन्होंने सदैव सारथी बनकर हमें उन्नति का मार्ग दिखाया।
जिंदगी के कई प्रश्न थे कि भगवान है भी कि नहीं। उन्होंने कई भेद खोलकर हमें अध्यात्म से परिचित करवाया। कभी लगता है कि कैसे उनका ऋण उतारें, बस हम उनका ऋण ऐसे उतार सकते हैं कि उनके बताए मार्ग पर चलें, दीन दुखियों की सेवा करें। वो हमसे कुछ नहीं मांगते, वो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे खुश हो, अगर मेरा शुक्राना करना चाहते हो तो तुम जरूरतमंदों की मदद करो। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने का यही एक रास्ता है। लोगों को जितना दो दे सकते हो उतना दो। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, गुरु तो सिर्फ हमें देना जानता है। बस आप गुरु से प्यार करो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं तो बाबा का दिल से शुक्राना करती हूँ कि बाबा आप मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी बदल गई। बाबा मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए ये दुनिया एक जन्नत के समान है। बाबा आपका प्यार हमेशा ही ऐसे बना रहे, आप हमेशा ही मेरे साथ रहना बाबा।